एक अच्छा टारगेट तो मैंने अपने लिए सेट किया था, आज उसको अचीव करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में जरा बताइए, किस तरीके का आपका? मेरी प्राथमिक शिक्षण मेरा कारंजा लाड जेसी हाई स्कूल में हुआ था। मेरे पापा किसान है, बेलखेड़ नाव का एक छोटा सा गांव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट वाशिम महाराष्ट्र में। और क्लास 11th में मैंने नागपुर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। और आज सुबह हमारी क्लासेस होती थी लगभग 5 घंटे की, और उसके अलावा 6 से 7 घंटे की मैं सेल्फ स्टडी करता था। सुबह जल्दी उठकर मेमोरी बेस्ड पार्ट करना और रात को अपना होमवर्क कंप्लीट करके 10 बजे तक सो जाना, ये मेरा शेड्यूल रहता था। जब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी तो अपने लिए गोल तो 1 का ही सेट किया था, और अभी उसको अचीव करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे मेरा टारगेट है जेई एडवांस में अच्छी रैंक लाकर IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में अपनी सीट पक्की करना, और उसके बाद एक अच्छा इंजीनियर बन के देश के लिए कुछ करना है। आज का यूथ सोशल मीडिया ज़्यादातर यूज़ करता है, आप दिन भर में सोशल मीडिया कितना यूज़ करते थे, और आज के यूथ को आपको क्या मैसेज है? आजकल काफ़ी स्टूडेंट सोशल मीडिया के पीछे लग जाते हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि प्रिपरेशन के पहले दिन से ही आप सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय कर दीजिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि 2 साल आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है। तो मैं मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देखता था, लेकिन हफ्ते में मैं एक आध मूवी देख लेता था जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और उसके अलावा मोबाइल का यूज़ बहुत कम।